हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष कश्यप बिहार नमन जीएस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज दिनांक 29/12/2021 को शाम 6:15 बजे से 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ मुख्य परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के लिए ऑनलाइन माध्यम में एक बैच शुरू किया जा रहा है। यह बैच केवल और केवल सेकेंड पेपर को ही समर्पित होगा। फर्स्ट पेपर के लिए हम लोग अलग से नया बैच शुरू करेंगे। सेकेंड पेपर का जो क्लास है वह शुरू करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह रहा है, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा सेकेंड पेपर में ही जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वह इकोनॉमी सेक्शन का हो, ज्योग्राफी सेक्शन का हो, इंडियन पॉलिटी सेक्शन का हो, बिहार स्पेशल खंड का हो, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी खंड का हो, इन सारे सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वह काफ़ी डायनामिक प्रवृत्ति का होता है। डायनामिक कहने का यहाँ पर यह तात्पर्य है साथियों कि आयोग इन सारे प्रश्नों से, सारे टॉपिक से जो भी प्रश्न पूछते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड पूछते हैं। मतलब यह समझ लें कि यदि आपका किसी भी टॉपिक में या सब टॉपिक में कंसेप्ट बढ़िया है, कंसेप्ट अच्छा है, उसी टॉपिक को कंसेप्ट के साथ समझ सकते हैं, तो आप उसका आंसर बहुत अच्छे से लिख लेंगे। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट में थोड़ी भी दिक्कत होती है तो आप क्वेश्चन के आंसर के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। नतीजा यह हुआ कि फिर आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे, फिर आपको अफसोस होगा कि अरे हमने तो बहुत मेहनत किया है, हमको मार्क्स बीपीएससी ने बहुत कम दिया है। क्योंकि बीपीएससी क्या देखता है कि उनके पास जो भी मेंस आंसर राइटिंग की कॉपीज आई हैं, उन कॉपीज में जो आंसर लिखा गया हुआ है वो तुलनात्मक रूप से किसका आंसर बेहतर है, उसी के आधार पर बीपीएससी के जो कॉपी चेक करने वाले महाशय होते हैं वो नंबर अंकित करते हैं। अब यहाँ समझिए कि सेकेंड पेपर का जो टॉपिक है, जो भी टॉपिक हमने अभी डिस्कस करा है, सेकेंड पेपर का जो भी टॉपिक होता है वह अपने आप में एक टॉपिक विभिन्न प्रकार के सब टॉपिक को समाहित किए हुए है। खास करके जो भी टॉपिक सेकेंड पेपर का है वो सारा का सारा टॉपिक के से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो बिहार से जोड़ करके पूछे जाते हैं। तो अगर आप उन टॉपिक्स को, अगर आप उन सब टॉपिक्स को बिल्कुल बॉटम टू टॉप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तब तो आप उसको आंसर लिख लेंगे। साथियों, बिहार नमन जीएस बच्चों के बीच में काफ़ी प्रसिद्ध हो चुका है, क्योंकि हमारा कंटेंट, हमारे पढ़ाने का तरीका, हमारे मैनेजमेंट का तरीका अन्य कोचिंग संस्थानों से, या यूँ कह लें कि अन्य से बेहतर है। यद्यपि हम लोग ऑनलाइन माध्यम से ही शिक्षा देते हैं, लेकिन ऑनलाइन माध्यम से भी एचडी क्वालिटी में आपको क्वालिटी में क्लास अटेंड होता है, एचडी क्वालिटी में आप साउंड को सुन सकते हैं, और आपको यह नहीं लगेगा कि हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, आपको बस यही लगेगा कि अरे हम तो बिल्कुल सामने में फेस टू फेस बैठ के क्लास कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। और यहाँ ध्यान देंगे कि हमारे द्वारा जो भी टॉपिक पर कंप्लीट करवाया जा रहा है, या बिहार नमन जीएस के द्वारा जो भी टॉपिक कंप्लीट करवाने का प्रयास किया जा रहा है, उन सारे टॉपिक्स में दो जो उसको कंटेंट होते हैं, दो विंग होते हैं, वह विंग हमेशा जोड़ करके बताया जा रहा है। पहला विंग होता है किसी भी टॉपिक को करेंट अफेयर से रिलेट करना, और दूसरा विंग होता है कि उस टॉपिक्स को या सब टॉपिक को बिहार स्पेशल खंड से जोड़ करके बताना। बैच शुरू हो रहा है, वह बैच में सेकेंड पेपर में मैं खुद लूंगा, खास करके कल जो टॉपिक शुरू करेंगे वो हम इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन इकोनॉमी का सेक्शन उठाएंगे। उसके पीछे कारण है साथियों, क्योंकि यह जो दो सब टॉपिक है, दो टॉपिक हैं, वो समझो कि वो करेंट अफेयर भी कवर कर लेता है आपका। जैसे अभी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री साहब पूरे बिहार के दौरे पर हैं और केंद्र सरकार से विभिन्न प्रकार की मांगे कर रहे हैं कि भाई हमको विशेष राज्य का दर्जा दो। अब देखो कि बिहार में जो भी प्रश्न है, जो बीपीएससी में जो भी प्रश्न पूछता है, वो अधिकांश प्रश्न को बिहार से जोड़ करके पूछा, मैंने पहले भी कहा है। चाहे पॉलिटी का कोई भी टॉपिक ले लो, राज्यपाल आप उठा लें, आप राष्ट्रपति साहब उठा लें, फंडामेंटल राइट उठा लें, फंडामेंटल ड्यूटीज उठा लें, बिहार में बाढ़ की समस्या उठा लें, बिहार में सूखा की समस्या उठा लें, बिहार में प्रवासन की समस्या को उठा लें, बिहार में आर्थिक विकास की संभावनाओं को उठा लें, साइंस टेक में आते तो साइंस टेक में एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, तो बिहार में उसके एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके लिए एक ही तरीका है कि आप इन सारे प्रश्नों को बिल्कुल कॉन्सेप्ट की तरह, बच्चे की तरह समझें, बच्चे की तरह जानें, बच्चे की तरह उसको लिखने का प्रयास करें। सुनिश्चित शुरुआत करते हैं, शिखर तक जरूर पहुंचेंगे हम लोग। अब कुछ विशेषताओं पर चर्चा कर लेते हैं कि कल जो क्लास शुरू होगी, जो भी टॉपिक पढ़ाए जाएंगे उन टॉपिक को समाप्त होने के साथ में ही आपको एक प्रश्न दे दिया जाएगा, आपको उसका उत्तर लिखना होगा, और उत्तर लिख करके हमारे द्वारा या संस्थान के द्वारा जो भी फैकल्टी हैं उनके द्वारा कॉपी चेक करके आपको उसको प्रेषित कर दिया जाएगा। जो भी कमी होगी, जो भी उसमें सुधार की गुंजाइश होगी, जो भी एक्स्ट्रा उसमें कंटेंट ऐड होगा वो सब हम आपको बताएंगे। चूँकि हम और हमारी टीम बीपीएससी के पेपर से लगातार जुड़े हुए, लगातार मेंस इंटरव्यू फेस कर रहे हैं,
तो हम लोगों को इस फील्ड में थोड़ा समझ कह सकते हैं कि बेहतर आइडिया होगा कि बीपीएससी का डिमांड कैसा है और सरसठवीं और सीडीपीओ का जो मेंस होगा उसका डिमांड कैसा होगा, रहने वाला है प्रश्नों का, तो हम लोग अवलोकन कर सकते हैं। जो भी क्लासेस होंगी वो सारा का सारा क्लासेस ऑनलाइन होगा और ये क्लासेस ऑनलाइन तो होगा लेकिन ये क्लासेस रिकॉर्डेड भी है, तो आप अगले एक सालों तक जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है पिछले एक साल सरसठवीं बीपीएससी सीडीपीओ में अंतिम रूप से, तब तक एक सालों तक आप इस क्लास को 3 बार एक्सेस कर सकते हैं, लाइव क्लास को देख सकते हैं। हम लोग क्लास में ही आपके द्वारा उठाए गए क्यूरीज को लेते हैं कि कहीं अगर बच्चों को दिक्कत हो रहा है तो उस क्यूरीज को भी हम लोग सॉर्ट आउट करने का प्रयास करते हैं। आपके प्रत्येक बच्चों पर इंडिविजुअल अटेंशन दिया जाता है कि आपका पढ़ाई के संबंधित कोई भी इश्यूज होता है तो उसको हमारी टीम बैठ करके जो विशेषज्ञ टीम होते हैं उसको दूर करने का प्रयास करता है। आपको समझो क्या कि अभी एक ऐसा माहौल चल रहा है बीपीएससी में या खास करके बिहार के संदर्भ में समझ लें कि हर लोग बीपीएससी के पीछे दौड़ रहा है कि बीपीएससी के हमको तैयारी करना है और कोचिंग भी उतने ही खुल रहे हैं कि बीपीएससी। लेकिन अब आपको यह चूज करना है कि कंटेंट के स्तर पर, क्वालिटी के स्तर पर कौन सा संस्थान बेहतर है जिसके साथ आप जुड़ करके अपने भविष्य को सिक्योर कर सकते हैं। और बिहार नमन जीएस आपको इश्योर करता है क्वालिटी में और कंटेंट में, यह आपको दूसरे कोचिंग से बहुत आगे देगा, उससे कम नहीं दे सकता है, क्योंकि हम लोग क्वालिटी और कंटेंट दोनों पे ही काम करते हैं और छात्रों के बीच में लोकप्रिय भी हैं। अब एक मुद्दा समझते हैं साथियों कि अभी 6 फरवरी को बीपीएससी के द्वारा सीडीपीओ का पेपर हो जाएगा पीटी का, अप्रैल के आसपास में ऐसी संभावना है अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो पीटी अप्रैल सेकंड या थर्ड वीक में आपका पीटी हो जाएगा। अब यहां ध्यान देंगे कि बीपीएससी ऑलरेडी 4 से 5 महीना पीछे चल रहा है अपने कैलेंडर से, तो वो चाहेगा कि हम इस कैलेंडर को बिल्कुल समय पर पूरा कर ले। तो मान के चले कि अगर अप्रैल के महीना में हमारा पीटी होता है तो जून जुलाई के आसपास में आपका मेंस हो जाएगा, ये बिल्कुल तय बात है, क्योंकि ज्यादा समय आपको नहीं देगा बीपीएससी, हार्डली 3 to 4 मंथ आपको देगा समय मेंस की तैयारी करने के लिए। तो आपको चूज करना है क्या कि पीटी देने के बाद में या रिजल्ट जब आएगा उसके बाद में आप सेकेंड पेपर का, फर्स्ट पेपर का या फिर ऑप्शनल का तैयारी करना शुरू करेंगे, अभी से ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में हम एजुकेशन को इकट्ठा करके, क्वालिटी को इकट्ठा करके एक अच्छा कंटेंट तैयार कर ले ताकि हम मेंस में उसको उतार दें। तो अब यहाँ ध्यान देंगे कि अभी पीटी में लगभग 3 मंथ्स के आसपास समय है, अमूमन देखा जाए तो 67वीं बीपीएससी पीटी के लिए 3 महीने का समय पर्याप्त होता है, तो क्यों ना हम आधा समय जो भी हमारे पढ़ाई के लिए समय आवंटित किया है हमने, तो आधा समय हम दे पीटी को और आधा समय हम मेंस के लिए तैयारी करें। इसीलिए बिहार नमन जीएस के द्वारा सेकेंड पेपर के लिए 29/12/2021 से यानी आज शाम 6:15 बजे से सेकेंड पेपर के लिए स्पेशल बैच की शुरुआत की गई है। इस बैच में आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। इस बैच में 3 दिन का आप लोगों को डेमो क्लास दिया जा रहा है, आप आएंगे, फ्री डेमो क्लासेस, अब फ्री डेमो क्लासेस आप अटेंड करें। आपको लगता है कि नहीं हम बेहतर क्वालिटी दे पा रहे हैं तो आप हमसे जुड़े, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और मिलते हैं आज की क्लास में 6:15 बजे। अच्छा, जो बच्चे नए हैं वो हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाएं, उसका जो भी लिंक होगा ऑनलाइन क्लास करने का, ये 3 डेमो तो गूगल मीट पे होगा, बाकी की सारी क्लासेस हमारे बिहार नमन जीएस के ऐप पर होगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लिंक से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। तो 6:15 बजे, तब तक के लिए थैंक यू।